मन्ना है प्यार कर जानम और कुवादा है हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को चेक नहीं किया तो जाके चेक कर लेना, क्योंकि आज मैं एक पोस्ट कर दिया हूँ। उसमें आप लोग जो कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आप लोग एक कमेंट के लेकर मैं एक क्यों वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से जाओ और अच्छे से कमेंट कर देना। तो दोस्तों, आज का जो प्रीव्यू है तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं नागपुरी सॉन्ग में टू फोटो लेयर के साथ लिरिक्स स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो फिर भी मैं तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, ये स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखना बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो फोटो यूज होने वाला है ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो फोन यूज होने वाला है फोन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना ये स्टेटस को बनाने के लिए। तो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, लाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो, ये जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है ये प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना, और देखो ये जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और जो टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इनपुट कर लेना। और इनपुट करने के बाद देखो, सबसे पहले जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट का इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। ये जो फर्स्ट में बीट है यहाँ पर आपका चैनल नाम देना होगा, उसका फिर से आगे चले आना। तो यहाँ पर फिर भी फिर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पर चैनल नाम, तो यहाँ पर भी आप लोग को चैनल नाम देना होगा। और ये जो बीट है ये बीट में सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, जो ग्रुप एंड मार्क्स वन लेयर है ये लेयर को टच करना फोटो ऐड करने के लिए, और ये जो एडिट ग्रुप है यहाँ पर टच कर देना होगा। और यहाँ पर आप लोग को फोटो ऐड करना होगा जिस फोटो पर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, वीडियो ऑप्शन में चले जाना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो, ये मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ, और ये फोटो को ऐड करने के बाद देखो, ये जो ऊपर में थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिर कंपोजिशन ये देखो टच कर देना, उसको एकदम लास्ट में आ जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो ये जो फोटो है कुछ इस तरह हो गया। तो अब क्या करना होगा, देखो ये जो फोटो लेयर है साइड में से दबा कर रखना है, और ये जो दो लेयर है दो लेयर के नीचे रखना है ये फोटो लेयर को, देखो कुछ इस तरह ये फोटो एडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट में आ जाना, ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और एक सेप को ऐड कर लेना। सेप ऐड करने के बाद देखो, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन ये रखो टच कर देना। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो कलर एंड फिल ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद देखो, ये जो डॉट है ये डॉट को इस साइड ये मिडिल कर लेना। उसको देखो, ऊपर में जो एक डॉट है ये डॉट को इस साइड नीचे ले आना, इस तरह एडिट कर लेना। उसके बाद ठीक से एडिट करने के बाद देखो, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, यहाँ पर जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना। और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद एक बार बैक हो जाना, उसके बाद एकदम लास्ट बिट में चले जाना, मतलब ये एकदम लास्ट में, और एक बार बैक हो जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद फिर से देखो, ये जो लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, और ये जो फोटो है ये फोटो के ऊपर ये लेयर को रखना है। देखो कुछ इस तरह ये जो फोटो है एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, ये ग्रुप से बाहर आ जाना। तो देखो, ये जो फोटो है कुछ इस तरह एडिट हो गया। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, देखो ये जो ग्रुप के अंदर ये जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट देना होगा। तो इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना, और देखो ये जो टेक्स्ट इफेक्ट जो प्रोजेक्ट आपने इनपुट किया ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो, ये जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसका तो बैक हो जाना। और फिर से ये जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो, ये जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना, फिर से एडिट ग्रुप में चले जाना। और देखो, ये जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो, ये जो फोटो है ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना है, फिर से इस ग्रुप से बाहर आ जाना। और इस ग्रुप से बाहर आने के बाद देखो, ये जो बिट है ये बिट में अपना चैनल नाम दे देना, ये बिट में
ये बीट में सॉन्ग लिरिक्स लिखना नहीं होगा। और देखो ये जो बीट है ये बीट से सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने से पहले एक बार बैक हो जाना और फिर से टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो ये जो हमारा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको कॉपी लेयर कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से देखो ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आने के बाद अगला बीट में चले जाना और ये बीट में आने के बाद वो लेयर को पेस्ट करना होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से पेस्ट लेयर कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो लेयर है वो ऐड हो गया। तो अब क्या करना होगा, ये लेयर को टच करना, मूवमेंट ट्रांसफर में चले जाना और इसको यहाँ पर नीचे सेट कर देना, देखो जहाँ आप रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, देखो यहाँ पर। तो देखो कुछ इस तरह ये जो लेयर है वो फिट हो गया। तो अब क्या करना होगा, ये जो सॉन्ग लिरिक्स है वो लिखने के लिए सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना सबसे पहले। तो मैं सॉन्ग को प्ले करके सुन लेता हूँ। तो सॉन्ग को सुनने के बाद देखो ये जो डबल एडिट टेक्स है यहाँ पर चले जाना और ये जो हमारा नाम है उसको पहले हटा देना। हटाने के बाद फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। ये जो लिरिक्स है ये मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, उधर से आप लोग कॉपी कर लेना और नोटपैड ऐप में आप लोग पेस्ट कर लेना। तो फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर से लाइट मोशन में आ जाना। लाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद देखो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से आप लोग ये जो फोन है ये फोन को सिलेक्ट कर लेना। ये जो व्यू ऑल फोन है यहाँ पर चले जाना। और देखो फ्रेंड्स बहुत भाई पूछते हैं फोन को कैसे इनपुट करते हैं, तो फोन कैसे इनपुट करते हैं, देखो यहाँ पर जो थ्री लाइन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से इनपुट जो फोन है यहाँ पर टच कर देना। और टच करने के बाद अपने फोन में मतलब फाइल मैनेजर में आ जाओगे और फाइल मैनेजर में आने के बाद देखो यहाँ पर जो डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से आप लोग उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जिस फाइल में आपका वो फोन है। आप लोगों को दिखाने के लिए ये फाइल को मैं ओपन कर लिया हूँ और देखो ये हमारा फोन है। तो ये फोन को आप लोग ऐसे टच कर देना तो फोन अपने आप ऐड हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो टिक लगा के मैं रखा हूँ ये एकदम लास्ट में, ये ऑप्शन को टिक लगा के रखा है रखना है आप लोगों को। ये क्या होगा, आप लोग जितने सारे फोन इनपुट करोगे वही फोन यहाँ पर शो होगा, बाकी और कुछ भी फोन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो ये जो फोन है ये फोन को ऐड कर लेना, ये वाला फोन है। और फोन ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर जो 40 PT जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से आप लोग इसका जो साइज है तो अगर कम करना चाहते हो तो कमा भी सकते हो और अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। तो मैं इतना रख देता हूँ देखो। उसको इधर से आप लोग कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेना जिस कलर को आप रखना चाहते हो, उसका दो बार टिक ऑप्शन पर टिक कर देना, मतलब टिक करने के बाद। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो ऐड हो गया। तो सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए फिर से ये लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको कॉपी लेयर कर लेना, उसके बाद फिर से अगला बीट में चले जाना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके फिर से पेस्ट लेयर कर देना। उसके बाद एक बार एयर ऑप्शन पर टच करना तो अगला बीट में आ जाओगे। तो देखो ये जो बीट है ये बीट के आगे चला गया ये लेयर, तो ये लेयर को छोटा करना होगा। तो ये लेयर को छोटा यहाँ से मत करना, नहीं तो ये जो इफेक्ट है वो कट हो जाएगा। जो टाइमर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से ये लेयर को छोटा कर लेना। तो देख सकते हो ये जो बीट है ये बीट के बराबर हो गया। उसके बाद सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए फिर से सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। तो सॉन्ग को सुनने के बाद फिर से ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स में चले जाना, इसको पहले हटा देना। और हटाने के बाद फिर से सेकंड जो लाइन है उसको कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद फिर से अलाइट मोशन ऐप में आ जाना और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देना। तो और कुछ नहीं करना होगा, बस एक बार टिक कर देना। तो देख सकते हो जो सेकंड जो लाइन है वो हमारा ऐड हो गया। तो ऐसा करके दोस्तों आप लोग सारे लिरिक्स को ऐड कर लेना और लिरिक्स ऐड करने के बाद फिर से फर्स्ट में आ जाना और फर्स्ट में आने के बाद इमोजी ऐड करेंगे। तो इमोजी ऐड करने के लिए देखो यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, डबल टेक्स्ट में चले जाना और यहाँ से आप लोग को भी 3 इमोजी को ऐड कर लेना। तो मैं देखो ये वाला 3 इमोजी को ऐड कर लिया हूँ। उसको यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा, ये जो 18 PT ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसका जो साइज है थोड़ा बढ़ा लेना। उसके बाद ये जो ऑप्शन है देखो यहाँ पर बॉक्स, ये बॉक्स को टच करना है और ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद दो बार टिक ऑप्शन पर टिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफर में चले जाना और ये जो PNG फोटो है ये PNG फोटो को आप जहाँ रखना चाहते हो उधर
इसको रख देना। उसके बाद एकदम लास्ट बिट में चले जाना, और लास्ट बिट में आने के बाद देखो ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, तो ये जो PNG फोटो है ये PNG ऐड हो जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो हमारा जो वीडियो है वैसे करके बना लेना, और बनाना हो जाने के बाद देखो यहाँ पर जो ऊपर में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।